नमस्कार, मैं अंकुश यादव एक बार फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ, जहाँ आज हम बात करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, एफिलिएट मार्केटिंग कितने प्रकार की होती है, आप इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं सब, और ये सही है या गलत है, ये एक फेक चीज़ है या रियल चीज़ है, सब मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और बिना स्किप किए लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कितने टाइप्स की होती हैं। टाइप्स एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली थ्री टाइप्स की होती है, अनअटैच्ड, रिलेटेड, इन्वॉल्व्ड। अब आप बोलोगे कि ये तीनों क्या होते हैं, तो पहले हम बात करेंगे अनअटैच्ड एफिलिएट मार्केटिंग की। तो अनअटैच्ड एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा होता है कि आप एक वेंडर हैं लेकिन आपको कोई, आपके सामने वाले के साथ कोई रिश्ता नहीं है, आपको सिर्फ, आप वहाँ पर क्या करते हैं, आप फेसबुक एड्स के थ्रू, गूगल एड्स के थ्रू, या इंस्टाग्राम में जो एड्स आते हैं उसके थ्रू, या यूट्यूब पर आप स्क्रॉल करते करते इस YouTube चैनल पर जो एड्स आते हैं उसके थ्रू आप जो प्रोडक्ट सेल करते हो, जो लिंक आप डालते हो उसके थ्रू जो प्रोडक्ट सेल होता है उसको कहते हैं अनअटैच्ड एफिलिएट मार्केटिंग। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आज हम आपको बताएंगे। रिलेटेड नेटवर्क मार्केटिंग ये होती है कि आप कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड हो, आप भले ही उस प्रोडक्ट को नहीं बना रहे हो लेकिन आप कहीं ना कहीं से रिलेटेड हो। जैसे आप अपनी वेबसाइट में उसकी पोस्ट डाल रहे हो, आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में उसकी पोस्ट डाल रहे हो, आप यूट्यूब के थ्रू उसको सेल कर रहे हो या फेसबुक के थ्रू उसको सेल कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो उस चीज़ में कि आप उस कंपनी के साथ काम कर रहे हो, आप उसको, उस कंपनी के प्रोडक्ट आपको सेल करना है और आप लिंक के थ्रू प्रोडक्ट सेल करवा रहे हो, तो वो आता है रिलेटेड एफिलिएट मार्केटिंग में। एंड थर्ड में आता है इन्वॉल्व नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग सॉरी। तो इन्वॉल्व एफिलिएट मार्केटिंग ऐसी होती है कि इसमें आप पहले खुद प्रोडक्ट यूज़ करते हो देन फिर सामने वालों को सजेस्ट करते हो। तो आज हम तीनों के बारे में बात करते हैं और तीनों के अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं वो कौन कौन से हैं आज हम आपको बताएंगे। तो इन दो तीनों में तो सेम ही चीज़ होती है, बट ये थोड़ा डिफरेंट है। इन्वॉल्व वाला इन दोनों में तो थोड़ा सेम ही रहता है। अनअटैच्ड में ऐसा रहता है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट से, एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट से आपने एक प्रोडक्ट उठाया, जस्ट थिंकिंग कि मेरे पास था यूट्यूब का कोर्स, पूरा यूट्यूब कोर्स का एक पूरा कोर्स का प्रोडक्ट था, ये मैंने लिया था क्लिक बैंक से, खरीदा नहीं था मैंने, मतलब क्लिक बैंक से मैं इसको सेल करता था एक टाइम पे। तो मैंने इस चीज़ को कहाँ से लिया, क्लिक बैंक से मैंने लिया। अब मैं इसका एडवर्टाइजमेंट कहाँ करूँगा, अब मैं इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ फेसबुक एड्स के थ्रू, गूगल में आप कोई भी चीज़ देखते हो उसमें जो एड्स आते हैं उसके थ्रू, गूगल एड्स के थ्रू, यूट्यूब पर आप वीडियो देखते हो उसमें जो एड्स आते हैं उस एड्स के थ्रू, देन इंस्टाग्राम में जो एड्स आते हैं उस एड्स के थ्रू, मतलब उन एड्स में मैं इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल दे दूंगा कि भैया ये प्रोडक्ट है ना, इसकी कॉस्ट है कितनी, $99, आप इसको लोगे तो आपको ये बेनिफिट्स होंगे, तो आप मेरी वेबसाइट में जाके चेक कर लीजिए। एंड यहाँ पे मैं जो लिंक डालूंगा नीचे, जो लिंक रहेगी उस लिंक को क्लिक कर जो बंदा इस प्रोडक्ट को खरीदेगा, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदेगा, तो उसे जो आज जो वेबसाइट है इस टाइम पर रन कर रही है, मैक्सिमम जो वेबसाइट होती है वो 50% आपको कमीशन देती है। मान लो ये $100 का गया तो आपको $50 मिल जाएगा, $50 समथिंग सिमथिंग कितना, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, $50 होता है, तो हमने $50 को कन्वर्ट करके देखा इंडियन रुपीस में, तो समथिंग 4,000 रुपये आ रहा है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने गूगल से कन्वर्ट करके देखा 4,000 समथिंग आ रहा है, उसमें भी 80 रुपीज अभी समथिंग कुछ चल रहा है डॉलर का रेट। अगर आप सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचोगे उसमें, इसमें अनअटैच्ड मार्केटिंग में सिर्फ फेसबुक एड्स के थ्रू और मतलब जितने भी एड्स आते हैं उसके थ्रू आप अगर अभी कोई भी प्रोडक्ट्स बेचते हो ऐसा, तो आपको समथिंग 4,000 रुपये उसमें मिल जाएगा। तो इस टाइप की मार्केटिंग को कहते हैं अटैच्ड मार्केटिंग, ये सिर्फ अगर आप एड्स के थ्रू करते हो, है ना, अटैच्ड एफिलिएट मार्केटिंग। देन हम सेकेंड नंबर पर बात करेंगे किसकी, रिलेटेड एफिलिएट मार्केटिंग की, है ना, एफिलिएट मार्केटिंग। तो इसमें ऐसा रहता है सिंपली कि आपको एक तो आप इसमें ऐसा रहेगा कि इसमें बंदा एड्स तो देगा, फेसबुक एड्स भी देगा, गूगल एड्स भी देगा, ठीक है, इंस्टाग्राम एड्स भी देगा, यूट्यूब एड्स भी देगा, बट इसमें बंदा एक चीज़ और ये करता है कि वो अपना एक पर्सनल यूट्यूब चैनल बनाता है, उसमें वो उस प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब करेगा, एक अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाता है उसमें वो उस प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब करेगा, देन वो एक फेसबुक अकाउंट बनाएगा उसमें उस प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब करेगा, और एक वेबसाइट बनाएगा उसमें उस प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब करेगा, तो
इन सब के ये टोटली, अब देखो ये तो सिर्फ उसका अनटेस्ट है, इसमें बंदे का मतलब मैं अगर कोई कोई एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं अगर इन समथिंग फेसबुक एड्स, गूगल एड्स और इंस्टाग्राम एड्स, यूट्यूब एड्स के थ्रू अगर मैं कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा कोई पर्टिकुलर नाम नहीं आएगा, सिर्फ मैं अपने प्रोडक्ट का की डिटेल्स दूंगा एंड लिंक दूंगा, तो उसमें मेरा कोई नाम नहीं आने वाला। मतलब उसमें मैं एक अननोन पर्सन हूँ, गुमनाम आदमी हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं हूँ वो इंसान। तो वो उस मार्केटिंग को कहते हैं अनअटैच्ड मार्केटिंग, अनअटैच्ड एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। एंड सेकेंड नंबर आती है अपनी रिलेटेड, उसमें ये सब तो वो हैं क्या, इस वो सब तो इन्वॉल्व हैं, बट ये अलग से आ गया इसमें, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, वेबसाइट। तो अगर बंदा इन सब चीज़ों के थ्रू भी, इन सब चीज़ों में अपना खुद इन्वॉल्व हो रहा, खुद के नाम का बना रहा है, बनाते ही वाले में बनाते हैं, तो उसको कहते हैं रिलेटेड एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें बंदा अपने आप को शो कर रहा है कि हाँ भाई मैं उस चीज़ का, वो मेरे थ्रू, मेरे लिंक के थ्रू आप लोगे तो आपको ये प्रोडक्ट इतना बेस्ट मिलेगा, इसमें ये क्वालिटीज़ है। तो वो चीज़ अपन बताते हैं इन सब चीज़ के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो बताते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी भी चीज़ का जो मोबाइल का रिव्यू देते हैं, वो भी उस मोबाइल की लिंक नीचे देते हैं कि मोबाइल आपको यहाँ लिंक नीचे दिया, आप लेना तो ले सकते हैं। तो बंदे को उस मोबाइल को अगर कोई खरीदेगा तो उसमें उस चीज़ का उसको कमीशन मिलता है। तो इसी से प्रोडक्ट का रिव्यू देते हैं, रिव्यूज के थ्रू अपन उसकी सेल बढ़ाते हैं, तो उसको कहते हैं रिलेटेड एफिलिएट मार्केटिंग। देन थर्ड नंबर पर अब आती है अपनी इन्वॉल्व्ड, थर्ड नंबर पर आती है अपनी इन्वॉल्व्ड एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। थर्ड नंबर पर आती है अपनी इन्वॉल्व्ड एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें ऐसा होता है, पहले वाली दो में क्या था कि सिर्फ आप, एक में तो आपको अपना कोई भी नहीं लेन देन है, आप अननोन पर्सन हो। देन सेकेंड में ऐसा था कि आप अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट के थ्रू, यूट्यूब अकाउंट के थ्रू थोड़ा बहुत अपना फेस रिवील कर सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं लोगों को कि मैंने भी ये सब कर रहा हूं, तो आप ये लीजिए, आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से। तो वो चीज़ हो गया। बट थर्ड में ऐसा होता है, सेकेंड चीज़ में था आपको सिर्फ प्रोडक्ट सेल करना रहता था, आपको उसको खुद नहीं खरीदना रहता। थर्ड में ऐसा रहता कि आपको पहले खुद वो प्रोडक्ट खरीदना रहता है। तो इंडिया में बहुत सारी ई मार्केटिंग कंपनी है, जैसे बिज गुरुकुल, लीड्स ग्रुप, ऐसी बहुत सारी मैनीज ऑफ कंपनीज हैं जो इस टाइप के एफिलिएट प्रोग्राम चलाती हैं। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आपको एक कोर्स सेल किया जाता है जस्टिंग का, आपको दे दिया जाएगा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, आपको इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड का कोर्स दे दिया जाएगा, आपको फेसबुक मास्टरमाइंड का कोर्स दे दिया जाएगा, आपको स्टॉक मार्केटिंग का कोर्स दे दिया जाएगा। तो ये कोर्स वो आपको बना के दे देते हैं, देन आप वो कोर्स खुद भी सीख सकते हो। देन अगर आप चाहते हो उससे पैसे कमाने, आप स्टूडेंट हो, तो आप उस कोर्स को किसी और को सेल करके, मतलब वो आपके पास तो रहेगा बट किसी और को सजेस्ट करोगे और आपके थ्रू कोई वो कोर्स खरीद रहा है कंपनी से, तो उसमें आपको वो 50-60% कमीशन देते हैं। जैसे मैं क्लियर बताता हूँ आपको कि मैं इनमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड में से मैं तीनों अफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, अटैच्ड अफिलिएट मार्केटिंग भी करता हूँ, मैं इन्वॉल्व भी करता हूँ और रिलेटेड भी करता हूँ। तो अटैच्ड में ऐसा रहता है कि मैं एड्स के थ्रू अपनी सेल्स करता हूँ, इन्वॉल्व में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट और वेबसाइट्स के थ्रू सेल करता हूँ, बट ये वाली बंद कर दी मैंने बहुत टाइम से, क्योंकि वेबसाइट चलाने का टाइम नहीं मिलता है, अकाउंट चलाने का इतना टाइम नहीं रहता कि इनको कैरी ऑन कर सके। तो ये तो कर सकते हैं एड्स इंस्टॉल के। देन अभी मैं अभी रिसेंट मतलब इन्वॉल्व नहीं सॉरी रिलेटेड को भाई बंद कर चुका हूँ, बट इन्वॉल्व ये कर चुका हूँ रिलेटेड, बट अभी मैं इन्वॉल्व में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। इन्वॉल्व में ऐसा रहता है कि आपको पहले खुद प्रोडक्ट खरीदना रहता है और फिर उसको आपको दूसरों को सजेस्ट करना रहता है ताकि आपकी अच्छी खासी अर्निंग्स हो सके। तो इन्वॉल्व में क्या था, इन्वॉल्व मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने बिज गुरुकुल ज्वाइन किया था, बिज गुरुकुल उसमें मैंने लिया था 3,500 रुपये का एक कोर्स खरीदा था मैंने, जिसका नाम उस टाइम था गोल्ड था, बट अभी वो चेंज हो गया, उसका नाम अभी बंडल मार्केटिंग टाइप का कुछ हो गया है। अभी है मेरे पास उतने ज़्यादा बहुत दिनों से देख रहे हैं तो डिटेल पता नहीं मुझे। तो 3,500 रुपये का मैंने वो कोर्स लिया था, तो उसमें मुझे क्या फैसिलिटीज़ मिली थी, इसमें मुझे बताया गया था डिजिटल मार्केटिंग सिखाई गई थी, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मिला था, इसमें मुझे फेसबुक मैसेंजर मार्केटिंग का कोर्स मिला था, इंस्टाग्राम मार्केटिंग का कोर्स मिला था, देन एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स भी मिला था, एंड फिफ्थ नंबर पे वीडियो
मतलब वीडियो बनाते समय, जैसे अभी आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो ये सब डर कैसे निकालें, अच्छा वीडियो कैसे शूट करें, इस टाइप वीडियो एडिट कैसे करें, थंबनेल एडिट कैसे करें, ये सब का इसके अंदर था। एंड एक और था मिलियनियर सक्सेस पॉइंट, मतलब जो मिलियनियर्स हैं उनका इंटरव्यूज था, उनके इंटरव्यूज को देखकर आप क्या सीखते हैं, वो सब इसमें, ये सब कोर्स मुझे दिए गए थे सिर्फ 3,500 रुपये में। तो ये कोर्स एक था कि मैं या तो मैं इसको पढ़, दोनों काम कर सकते थे, पहले आप इसको पढ़ो मतलब इसको सीखो, देन फिर आपको क्या होता था, देन फिर आप उसको सेल करके अच्छा खासा कमीशन कर सकते थे। तो अगर मैं ये 3,500 का कोर्स सेल करता हूँ तो मेरे को समथिंग समथिंग 2,000 रुपये का कमीशन मिलता है एक सेल में। और ये तो सिर्फ मैंने खरीदा, तो बता रहा हूँ और बहुत सारे कोर्स होते हैं, जैसे लाइक एक 1,500 वाला है इसी में, एक ही 3,500 वाला है, एक 6,000 वाला है, एक है 10,000 वाला और एक है 15,000 वाला। तो सब में रेट वाइज कमीशन बढ़ता जाता है, 1,500 वाले में 800 रुपये का कमीशन मिलेगा, 3,500 में 2,000 रुपये का, 6,000 में 4,000 रुपये का, 10,000 में 6-7,000 रुपये का कमीशन मिलता है। तो ये कैटेगरी वाइज रहता है। तो अब आपका क्वेश्चन है, चलो भैया ठीक है, हमने अनअटैच्ड मार्केटिंग के बारे में भी जान लिया, हमने रिलेटेड एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में भी जान लिया, हमने इन्वॉल्व एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में भी जान लिया, बट आप ये बताइए कि ये सब सही है, स्कैम तो नहीं है? तो अगर मैं बोलूंगा कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो पहली चीज आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अभी मैंने भी यही सोचा था, मैं भी यही सोचता था कि रिस्क है कि नहीं। मैंने भी अपनी लाइफ में जब मेरे पास ये ऑफर आया था, अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई थी, तब मैं भी सोचता था कि सही है क्या, इससे पैसा आएगा, बट बिलीव मी कि मैंने रिस्क लिया। आप मेरे पर भरोसा नहीं करेंगे कि आएगा कि नहीं, बट आप बहुत सारे, मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी सेंड कर सकता हूँ, अगर आप मुझसे प्रूफ मांगेंगे, बहुत सारे प्रूफ मैं आपको दे सकता हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट करके प्रूफ ले सकते हैं। तो मैं अपनी जिस कंपनी में मैं करता हूँ उसको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने लाखों कमाए, बहुत सारे छोड़ो, मैंने भी यहाँ 1,000 रुपये में अर्निंग किया, वो क्लियरली मैं आपको यहाँ पे शो नहीं कर सकता, बट मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यहाँ से खुद अच्छी खासी अर्निंग की है विज गुरुकुल से। तो इसमें एक बात यह है कि आप में इसमें स्कैम कुछ नहीं है, इसमें स्कैम नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो आप करते हैं वो खुद का उसमें रहता है, रियल रहता है। चलो आपको पैसे नहीं आए, आपने नहीं सीखे, बट आपको ये लोग इतने अच्छे कोर्स प्रोवाइड कर देते हैं ना कि आपको पैसे ना आने का कोई गम ही नहीं रहता, कोर्स इसके बेस्ट रहते हैं, बेस्ट कोर्स रहते हैं इसके। तो मैंने खुद यूज़ किया इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ मैं। देन फिर अगर आपको ये कोर्स लेना है तो मुझसे एक आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर मैं आपको इस कोर्स की, इस वेबसाइट की लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाकर ये कोर्स भी ले सकते हैं। इसका मैं एक फुल प्रूफ वीडियो ही बनाने वाला हूँ अगले अगले वीडियो में, इसके बाद जो वीडियो है उसमें इसका पूरा रिव्यू दूंगा विज गुरुकुल का। अभी मैं शॉर्ट शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि ऐसा होता है। देन ये बात रही उसकी इन्वॉल्व्ड का, बट आपका अनअटैच्ड में ऐसा रहता है कि बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं विदेशों की, जैसे कि क्लिक बैंक हुई, जेवीजू हुई, ठीक है, और डिगी स्टोर 24, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तीन जो हैं मेन वेबसाइट है, जैसे क्लिक बैंक और डिगी स्टोर बहुत ज़्यादा फेमस वेबसाइट है, जिसमें आपको 50% से ज़्यादा का क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, जिसमें आप डॉलर्स में कमाते हैं समथिंग। अगर आपको आपने 400 डॉलर कोई प्रोडक्ट सेल किया तो आपको 200 डॉलर मिलते हैं, अगर आपने 200 डॉलर लेते हैं आपको महीने भर फिर काम करने की जरूरत नहीं थी, 200 डॉलर समथिंग समथिंग आपके हो जाएंगे, 8-16-15,000 रुपये आप मोटा मोटा मान लीजिए कि 15,000 रुपये आपने एक एक बार में कमा लेते हैं उसके एक प्रोडक्ट को सेल करके। तो ये सब रियल चीज़ें हैं। तो आपको अगर एफिलिएट मार्केटिंग ट्राई करना है तो एक बार आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, या नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक तो ये जो अनअटैच्ड एफिलिएट मार्केटिंग है, अनअटैच्ड रिलेटेड, जिसमें आपको कोर्स नहीं खरीदना पड़ता है या प्रोडक्ट नहीं खरीदना पड़ता है, उनके बारे में आपको डिटेल दूंगा। देन फिर मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इन्वॉल्व्ड एफिलिएट मार्केटिंग का, जैसे मैंने आज बिजनेस के बारे में बताया उस चीज़ के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, तो आप मेरा ये वीडियो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।